स्तूप क्या है, तो बुद्ध की अस्थियों पर बने हुए स्तूपों को शारीरिक स्तूप कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला, स्तूप के अंग कौन कौन से, फिर से वही छह, छत्र, धर्मिका, अंड, मेधी, वेदिका और तोरण द्वार। इसको क्या कहते हैं, तोरण द्वार, तोरण द्वार। याद रखना ये होते हैं स्तूप। तो जिस तरह से हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, सिख धर्म में गुरुद्वारा, ईसाई धर्म में चर्च, उसी तरह से बौद्ध धर्म में क्या होता है, स्तूप होता है। और ये स्तूप है, और कई प्रकार के स्तूप है। कहा जाता है अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के द्वारा कितने स्तूप बनवाए गए, 84,000। और अशोक के स्तूपों को एक राजा के द्वारा तोड़वा दिया गया, ये भी कहा जाता है। तो एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम है विंसेंट स्मिथ। क्या नाम है, विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ कहता है कि अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाने का काम जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम है, पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने